गुण खराब वस्तुएं स्वयं दूर हो जाती है, उसको दूर करना नहीं होता, अपने आप हो जाता है। परंतु कब? जब वो शुभ लक्ष्मी होगी तब। यदि अशुभ लक्ष्मी है तो व्यक्ति की बुद्धि बिगड़ जाएगी, सेवा में पूजा में मन नहीं लगेगा। जैसा पैसा बढ़ेगा तो पैसा आने के बाद यदि मन में विचार आए कि आ इस बार हमारे हमको ज्यादा पैसा मिला है, इस महीने हम घर में या मंदिर में जाके सत्यनारायण की पूजा कराएंगे, ये विचार आया तो समझना हमारा धन शुद्ध है। और यदि विचार आया कि एक दारू की पार्टी की जाए, बोलो जैसे कृष्ण, तुरंत तो सोचना चाहिए हमारे धन में कहीं धन अशुद्ध आया है। और ध्यान दीजिए, एक आना, शास्त्र में लिखा है एक बूंद गड़ा भर दूध में, एक बूंद भी जहर की गिर गई तो वो पूरा दूध जहर बन जाएगा। उसी तरह हमारी सारी संपत्ति में एक आना भी अनिति का आ गया, सज्जनों ध्यान देना, वो एक आना अनिति का पूरे धन को लेकर निकलेगा, अकेला जाएगा नहीं। इसलिए धन की बड़ी चिंता करनी चाहिए। एक राजा थे, ध्यान दीजिए, वो राजा को रोग हुआ और कोई वैद्य ने कहा कि भाई एक कौड़ी आती है, एक संख विशेष प्रकार का एक स्पेशल एक संख है, उसको यदि दूध के साथ घिस कर आपके बदन पे लगाया जाएगा तो आपका ये रोग दूर हो जाएगा। परंतु वो संख वो कौड़ी बहुत जल्दी मिलती नहीं है, बहुत मेहनत करने के बाद वो मिलती है। तो राजा ने कहा कि जाओ पूरे मेरे शहर में मेरे देश में ढूंढो, जिसके पास बड़ी बड़ी कौड़ी या संख है उसको लेकर आओ। और एक गांव में एक व्यक्ति था जिसको ये कौड़ी इकट्ठी अपने घर में उसका कलेक्शन करने का बड़ा शौक था। तो पूरे जीवन में उसने बहुत सारी कौड़ी भर भर के अपने घर में रखी थी। अब किसी से पता चल गया राजा को कि भाई फलाने आदमी के पास बहुत सारी ऐसी कौड़ी रखी हुई है और उसने बहुत बड़ा एक कलेक्शन किया है। राजा को पता चला, सैनिकों को भेजा, जाओ उसके पास जितना है वो सब लेके आओ। और सिपाही गए उसके पास, उसको पूछा, राजा के पास से आए हैं और हमें ये सब चाहिए। कहा ठीक है मैं दे दूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है, मैं हर एक कौड़ी देखूंगा और देखने के बाद आपको दूंगा। कहा ठीक है। अब उसके पास तो कम से कम 10,000 कौड़ी थी, तो एक एक कौड़ी लेता है, चारों तरफ से देखता है और सिपाही को देता है। एक सिपाही ने पूछा, भाई पागल इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, दे दो एक साथ में, क्या जाएगा तुम्हारा, ऐसे भी देना है और देख के भी देना है। तो उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया, इतना ही जवाब दिया कि मैं देखना चाहता हूं ऐसी कौन सी कौड़ी आ गई जो सबको लेकर जा रही है। एक अनीति का दाना, एक अनीति का आना और एक अनीति का धन सब कुछ नष्ट करता है, बुद्धि बिगाड़ देती है। अनीति की लक्ष्मी, अनीति का धन हमारी चित्त को निर्मूल कर देते हैं। इसलिए शास्त्र में कहा कि धन की शुद्धि बड़ी आवश्यकता आवश्यक है। तो कली काल में देखा जाए तो सबके पास जितना धन है वो सब अशुद्ध है, बोलो जय श्री कृष्ण। कल सुबह यहाँ चढ़ा दो सागर महाराज को जलसा, बोलो जय श्री कृष्ण। जितना है वो सब अशुद्ध धन है। अब कहाँ से आया, कैसे लाया, झूठ बोल के लिया आया, सच बोल के लिया, वो तो हम ही जानते हैं। हाँ, पर शास्त्र में एक बात बताइए, पता था ना कलयुग आएगा, लोग ऐसा करेंगे, तो समझ ये सब ऋषि समझ रहे थे सब कुछ। इसलिए ऋषियों ने बताया कि यदि अनीति का धन यदि तुम्हारे घर में आता है तो इतने इतने उपाय करो, उस उपाय को करने से तुम्हारा धन शुद्ध हो जाएगा और शुद्ध धन कभी तुम्हारी बुद्धि नहीं बिगाड़ेगा। धन को धोना चाहिए। हमारे गुजराती में कहावत है, वर्षे एक बार धन धोऊं जोइए, बोलो जय श्री कृष्ण। साल में एक बार धन को धोना चाहिए। हमारे काशी में एक पंडित जी थे, वो जितना पैसा आता था एक बार धो धो के यूज करते थे पानी में। पानी से धन को धोना नहीं है, ये तो तुच्छ बात है। धन को धोने के लिए एक नहीं अनेक उपाय हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। परंतु उससे पहले महालक्ष्मी का स्वरूप क्या है, किस तरह से भगवती आदि महालक्ष्मी माँ जगदम्बा महालक्ष्मी इस पृथ्वी पर उसका अवतार हुआ, महालक्ष्मी के रूप कितने हैं, महालक्ष्मी के अवतार कितने हैं, उनके बारे में हम विशद चर्चा
इन दिनों में करेंगे। 8 दिन तक महालक्ष्मी का नित्य सत्संग, नित्य कीर्तन और नित्य ये सब होगा। आप सबसे एक निवेदन है कि हर कथाओं में वार्ताएं बहुत आती है, बोलो जय श्री कृष्ण, पर ये कथा थोड़ी कठिन है। भागवत की कथा बड़ी सरल है क्योंकि उसमें बहुत सारी कहानियां आती है और कहानी कहते 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 आपको भी आनंद और हमको भी आनंद। अब लक्ष्मी की कथा इतनी तो सारी नहीं है, हाँ, परंतु अलग अलग पुराणों से मेहनत करके खोजना पड़ा मुझे, खोजा है, बहुत सारी कथाएं है, कई कथा तो ऐसे थे जो मुझे भी आज तक नहीं पता था, वो जानने को मिला, परंतु है महालक्ष्मी का चरित्र बड़ा विशद शास्त्रों में दिया गया है, परंतु उसको खोजने की देरी थी, तो इसलिए ये कथा थोड़ी सी कठिन है, इसलिए ज्ञान युक्त कथा है। क्योंकि हमें हमारे जीवन में सुखी होने के लिए दो वस्तु चाहिए, एक ज्ञान और एक वैराग्य। दो वस्तु जिसके पास में है उसके जीवन में, इहलोक में और परलोक में, कभी कोई परेशानी नहीं आती। एक है ज्ञान, हर वस्तु का हमें ज्ञान होना चाहिए, क्यों पूजा करना चाहिए, कैसे पूजा करना चाहिए, महालक्ष्मी की पूजा ही क्यों करना चाहिए, ये सब बाबत जानकारी को हम ज्ञान कहते हैं। और एक होता है वैराग्य। वैराग्य कहते हैं यदि हमारे पास जो वस्तु है उसके प्रति हमको प्रीति न हो उसका नाम वैराग्य है। क्योंकि साहब धन तो इतना कमाएंगे, कितना इकट्ठा करेंगे, सब कुछ फोटवत में छोड़ के जाना है, बोलो जय श्री कृष्ण, एक आना भी हम भगवान के घर नहीं ले जाएंगे। जैसे यहाँ का डॉलर लिया हुआ अहमदाबाद में नहीं चलता, वहां की हमको चेंज करना पड़ता है, रुपया लेना पड़ता है। यहाँ का चलन, यहाँ का धन, एक देश का धन दूसरे देश में नहीं चलता, तो सज्जनों विचार करिए यहाँ इस देश का कर्म उस देश में कैसे चलेगा। उस देश में यदि प्रयोग करना है तो उस देश का जो धन है वो धन इकट्ठा करना पड़ेगा, और वो धन क्या है उनके विषय में हमें सोचना है, तो वो धन को हम कहते हैं ज्ञान। परंतु इस जीवन में यहां पर कमाया हुआ जितना भी धन है वो यहीं छोड़कर चले जाएंगे, यहां तक कि हमारा शरीर, हमारा परिवार, हमारे पुत्र पौत्र सब कुछ छोड़कर चले जाएंगे। और छोड़कर जब वहां जाएंगे तो यहां से यदि हम लेकर जाएंगे तो भगवान वापस भेजेंगे, जाओ वापस, ये खाली करके आओ। और एक बात है, खाली करने भेजेंगे तो इसी रूप में वापस नहीं भेजेंगे, बोलो जैसे कृष्ण, अलग रूप में भेज देते हैं। यदि परिवार के प्रति बहुत प्रेम है, बहुत अतिशय प्रेम रहता है उनके प्रति, और उसी प्रेम को लेके भगवान के पास जाएंगे, भगवान को जाके कहेंगे भगवान हम तो उसको बहुत प्रेम करते हैं, उसकी ये चिंता थी, उसकी वहां मुझे ये खाना था, वो तो मेरे लिए इतना बना के रखा था, क्या बहुत कर्म है उसके साथ, भगवान तुरंत कुत्ता बना के भेज देंगे, जाओ रहो उसके घर 3 महीना, बोलो जैसे कृष्ण। कभी कुत्ता, कभी पक्षी, कभी पशु, कभी पुत्र, कभी पुत्री, कभी पौत्र, कभी पौत्री, एक नहीं अनेक रूप में भगवान भेज देते हैं। इसलिए यहां का यहां छोड़कर वहां का वहां लेकर जाना, उस समझ को वैराग्य कहते हैं। और उसी वैराग्य की बंधन से हम भगवान के बंधन से बंध सकते हैं। इसलिए दो वस्तु जीवन में चाहिए, एक ज्ञान और एक वैराग्य। तो महालक्ष्मी के विषय में हमें ज्ञान चाहिए और उसी ज्ञान की चर्चा हम इन 8 दिन तक रोज यहाँ पर करेंगे। कठिन है, मैं समझता हूँ कि महालक्ष्मी की कथाएं थोड़ी कठिन है, परंतु ध्यान से सुनने से आनंद आएगा, क्योंकि श्रोता और वक्ता के लक्षण कथा के पहले दिन बताए जाते हैं। श्रोता कैसे होने चाहिए और वक्ता कैसे होने चाहिए। वक्ता के लिए शास्त्रों में बताया गया है वो धीर हो, गंभीर हो, उसकी मीठी मिठास वाणी हो, स्पष्ट अक्षर हो, शास्त्रों का ज्ञान हो, और सब होने के साथ में उन वक्ता को भगवान के प्रति दृढ़ प्रीति और अनुराग हो। दृढ़ प्रीति नहीं है, दृढ़ अनुराग नहीं है, और बिना प्रीति के, बिना अनुराग के यदि व्यक्ति कुछ भी करता है तो वो केवल श्रम मात्र है, केवल मेहनत है, उसका कोई फल नहीं है। एक पंडित जी थे, उनको एक लड़की थी, बोलो जैसे कृष्ण, उनकी शादी करवाई, बहुत खर्चा किया, बहुत मेहनत की, बड़ा उत्सव किया,
और शादी होने के बाद फेरे करते समय उसने कहा कि मैं इनसे प्रेम नहीं करती जिनसे मेरा फेरा हो रहा है। अब सोचो, इतना सारा मेहनत किया, इतना खर्चा कर दिया, यदि वो लड़की कहे कि मैं उससे प्रेम नहीं करती तो ये सब व्यर्थ हो जाएगा, एक क्षण में व्यर्थ हो जाएगा। सब कुछ प्रेम के अधीन है। कितना भी बोलेंगे, कितना भी कर्म करेंगे, जप करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, यदि परमात्मा से प्रेम नहीं है, ये सब व्यर्थ है। सब श्रम मात्र ही केवलम, सब श्रम है। इसलिए वक्ता को परमात्मा के प्रति दृढ़ अनुराग होना चाहिए। उसी तरह श्रोता के भी लक्षण बताए गए हैं। श्रोता कैसे होने चाहिए? खाने पीने का, बैठने का, उठने का, कपड़े पहनने तक के नियम शास्त्रों में है। बोलो जय श्री कृष्ण। सबसे पहला नियम, जो भी व्यक्ति अष्ट महालक्ष्मी की कथा सुनने आएगा उन्हें रोज उपवास करना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। तो पूर्णिमा बहन और ज्योष्णा बहन का किचन कल से बंद है। क्यों साल नहीं? सबसे पहला नियम बताया उपवास का, भोजन कैसा करना चाहिए। तो ऐसे तो लिखा गया है कुछ नहीं खाना चाहिए, केवल पानी पीकर, जूस पीकर रहना चाहिए। यदि वो भी संभव नहीं है तो एक समय भोजन करना चाहिए। यताहारो निताहारो तन मनस्को समाहितो, जैसा अच्छा लगे वैसा खाना चाहिए, परंतु हाँ इतना ही खाना चाहिए कि खाने के बाद आलस न हो। यदि कथा सुनते समय आलस्य हो गया, नींद आ गई, तो वो कथा के शब्द हमारे कान तक नहीं पहुंचेंगे। और सज्जनों, में आपको विश्वास पूर्वक कहता हूं, मैंने मेरे अभी तक के जीवन में मैंने अनेकों कथा कर की है। कथा के माध्यम से यदि व्यक्ति ध्यान से सुने तो बहुत फायदा है, बिना ध्यान के भी यदि सुनेगा तो भी फायदा है। नहीं जाना था बुलाया है इसलिए जाना पड़ रहा है, ऐसे भाव से यदि व्यक्ति कथा सुनेगा उसको भी फल मिलता है। यहां तक की बात छोड़िए, कथा की ही बात नहीं है, दुनिया की कोई भी पूजा हो, भगवान का कोई भी नाम यदि ध्यान से लिया जाए, श्रद्धा से लिया जाए, मन से लिया जाए तो अच्छा है। पर यदि बिना ध्यान के, बिना मन के, नाटक से भी किया जाए तो भी वो उत्तम फल देता है। कई लोग कहते हैं कि ये सब जो पूजा करते हैं ये सब एक साइंस है, ये सब करने से ये होता है, वो होता है, कुछ नहीं होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। हम पूजा करते हैं उससे ऐसे बहुत सारी बातें होती है साइंस के बारे में, ये साइंस है, वो साइंस है, कुछ नहीं है। अभी अभी एक मूवी देखा मैंने, बोलो जैसे कृष्ण, गोलमाल रिटर्न। वहां अंत में, लास्ट में एक स्टोरी थी, व्हेन गॉड इज डूइंग समथिंग देयर इज नो लॉजिक, जस्ट मैजिक। भगवान जब कुछ करते हैं वहां कोई लॉजिक नहीं है, खाली भगवान का मैजिक है। और ये बात सत्य है, भगवान चाहे तो कब क्या कर दे हम कल्पना ही नहीं कर सकते। और ये मूवी देखा दूसरे दिन व्हाट्सएप के ग्रुप में एक स्टोरी आई छोटी सी, और वो दोनों जुड़ गया एक दूसरे के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा। बोले अहमदाबाद में एक सेठ जी थे, बहुत पैसा, बहुत पैसा। रात को 12 बजे कुछ बात याद आ गई और नींद नहीं आई, और ये देखा गया है ज्यादा पैसे वालों को ही नींद नहीं आती। बोलो जैसे हाँ, ये रिसर्च है, जिसके पास कम पैसा है उसको तो बहुत अच्छी नींद आती है, सुबह जो होगा ठाकुर जी की इच्छा बोल के सो जाते हैं। सेठ जी को नींद नहीं आई, रात को 12 बजे उठ गए और गाड़ी लेकर टाइम पास करने के लिए सेठ जी वहां से निकले। रास्ते में कहीं मंदिर आया और रात को 12 बजे भगवान का जागरण हो रहा था, भजन हो रहा था। सेठ जी गए और मंदिर में जाकर बैठ गए। मंदिर में जाकर बैठे और देखा कोने में बैठा बैठा एक आदमी रो रहा है। सेठ जी ने जाके पूछा, भाई क्यों रो रहे हो, कुछ हुआ? उसने कहा, सेठ जी क्या बताऊं, पत्नी बड़ी बीमार है, कल सुबह ऑपरेशन करना है और एक फूटी कौड़ी जेब में नहीं है। भगवान से कहने आया हूं क्या होगा, छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, चिंता हो रही है, कोई रास्ता नहीं है। जिसका दरवाजा खटकाया ना वो दरवाजे सब बंद हो गए, और मंदिर का एक दरवाजा खुला था तो यहां आ गया। सेठ जी को बड़ी दया आई, तुरंत चेकबुक निकाली, चेक फड़ा साइन करके दे दिया, जाओ ब्लैंक चेक है, जितना पैसा चाहे बेटा ले लो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बड़ा खुश हो गया और चेक लेके बाहर आया दरवाजे पर। सेठ जी ने कहा, भाई रुको 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 रुको, क्या हुआ सेठ जी? टेक माय विजिटिंग कार्ड। कहा क्यों?
बोले ऑपरेशन के बाद यदि तुम्हें और पैसा चाहिए तो इस मेरे एड्रेस पे आ जाना, और पैसा मैं तुमको दूंगा। धन्यवाद सिंह जी, आपका एड्रेस नहीं चाहिए। कहा क्यों भाई, ऑपरेशन के बाद यदि तुम्हें पैसा चाहिए तो? बहुत सुंदर जवाब दिया सिंह जी, मेरे पास मंदिर का एड्रेस है। जब जब जीवन में तकलीफ आई है, जब जब मुझे परेशानी आई है, मैं मंदिर में आता हूँ और भगवान को कहता हूँ, मेरा काम हो जाता है। कैसे होता है मुझे पता नहीं, पर हो जाता है। ये पहला नहीं है। रात को 12 बजे सेठ जी आप उठ गए, सोए नहीं, जग गए, गाड़ी लेकर निकले, कहीं और नहीं गए, इसी मंदिर में आए, और किसी को नहीं देखा, मुझे देखा, बिना कुछ सोचे सेठ जी आपने मुझे चेक दे दिया। आप सोच रहे हो सब कुछ आपने किया, मेरे भगवान ने किया, क्योंकि वो मुझे सुन रहे हैं। कब किसी की निंद बिगाड़ दे और कब किसका काम कर दे, वो सब भगवान के हाथ में है। मुझे तो आश्चर्य है। आप देखो हमारे भागवत की कथा, एक मधुमंगल नाम का मित्र था जो अंधा था, जिसकी आंखें नहीं थी। वो कृष्ण भगवान का बड़ा प्रिय, मतलब एकदम घनिष्ठ मित्र था। उसकी आंखें नहीं थी, वो अंधा था।